सो लास्ट वीडियो में हमने अपनी यूनियन टेरिटरी दमन एंड द्यू से दमन तो विजिट कर लिया बट द अदर साइड इज स्टिल लेफ्ट विच वी विल विजिट इन दिस वीडियो विच इज नन अदर देन द्यू यू कैन रीच द्यू बाय एयर बाय ट्रेन और बाय रोड एज वेल अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज वेरावल जो कि द्यू से 90 किलोमीटर दूर है To visit different places in Diu, you can take minibus, taxi, auto rickshaw or rental motorcycle as well. The cost is around 300 rupees to 800 rupees. Now come to the seasonal month of Diu which is from October to March because these are the peak tourist season and the temperature is also pleasant to visit different places the shoulder month are from june to september during which the weather will be humid but there will be less crowd and you will find everything in cheapen so let's start our day one तो दिन की शुरुआत हमने दीव फोर्ट जाकर करी जो कि कॉलोनियल रूल के टाइम पर पोर्चुगीज लोगों ने बनाया था इसके अंदर एक लाइट हाउस है जिससे पूरे आइलैंड का बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखने को मिलता है देर इज नो एंट्री टिकट फीस है बट लाइट हाउस के लिए यू हैव टू पे रुपीज फाइव फॉर ईच पर्सन एंड टाइमिंग आर फ्रॉम एट ए टू सिक्स पी इसके बाद हम गए सेंट पॉल चर्च जो कि इंडिया का सबसे पुराना चर्च में से एक है जिसको करीब 400 साल हो गए हैं बने हुए नहीं, नहीं है। मैं मानता एंड द्यू में इसे देखने लोग जरूर आते हैं द टाइमिंग ऑफ दिस चर्च आर फ्रॉम एट ए एम टू सिक्स पी एम एंड यहाँ भी कोई एंट्री फीस नहीं है आफ्टर दिस वी वेंट टू टूडा केव्स विच इज ट्रूली वर्थ विजिटिंग प्लेस ये केव अलग अलग रॉक्स के इंटरलेक से बनी हुई है और बोला जाता है की द्यू फोर्ट को बनाते टाइम पोर्चुगीज लोगों ने एक बहुत ही बड़ी रॉक को अलग अलग सेक्शन में तोड़ दिया था जिससे मिलकर ये केव्स बनी इसी की ऐसी बनावट के कारण जब यहाँ धूप पड़ती है तो ये जगह एकदम फोटोजेनिक बन जाती है अपनी अच्छी पिक्चर्स खींचने के बाद हम गए गंगेश्वर महादेव टेंपल। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर महाभारत के पांच पांडवों द्वारा बनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर पांच शिवलिंग है जिसकी सिर्फ टिप ही विजिबल होती है जब भी हाई वेव या टाइड आती है द टाइमिंग ऑफ दिस टेम्पल्स आर फ्रॉम सिक्स ए एम टू एट पी एम एंड देयर इज नो एंट्री फीस देयर एज वेल well. अपने दिन को पीसफुली एंड करने के लिए हम गए नागोआ बीच जो कि दियो के सबसे फेमस और ब्यूटीफुल बीचेस में माना जाता है यू कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक पैरासीलिंग जेट सीइंग बोटिंग वाटर स्कीइंग एंड मोर एंड डोंट मिस आउट द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ सनसेट फ्रॉम हेयर इसके बाद हमने थोड़ा आराम किया और नेक्स्ट डे हम फिर उठ गए अपनी जर्नी पर निकलने के लिए लास्ट डे पे हमने एक बीच पर खत्म किया था तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं हमने डे टू की शुरुआत करी बाय गोइंग टू घोगला बीच ये बहुत ही साफ और दीव का सबसे लेस एक्सप्लोर्ड बीच है यहाँ पर भी आप डिफरेंट टाइप की वाटर एक्टिविटीज एक्सपीरियंस कर सकते हो नाउ इट्स टाइम टू डू सम शॉपिंग जिसके लिए हम गए थे दियू की लोकल मार्केट जहाँ पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी वो भी एट अफोर्डेबल प्राइसेस तो दीव से सिर्फ मेमरीज ही नहीं बल्कि कुछ चीज़ें भी लेकर जाते हैं आफ्टर डूइंग ऑल द शॉपिंग हम गए सेंट फ्रांसिसिस ऑफ असीसी चर्च जो कि 1593 में बनाया गया था लेकिन बाद में इट वॉज कन्वर्टेड इंटू ए हॉस्पिटल एंड इट इज प्लेस्ड एज एन इंपॉर्टेंट होली श्रिंड द टाइमिंग आर फ्रॉम सेवन थर्टी ए एम टू सिक्स थर्टी पी एम एंड देर इज नो एंट्री फीस अब हमने दिन की शुरुआत बीस से करी थी तो खत्म भी बीस से ही करते हैं दैट्स वाई वी हैव एंडेड अवर डे टू बाय गोइंग टू जलंधर बीच इट इज अ स्मॉल रॉकी बीच वेयर यू कैन रिलैक्स एंड हैव सम पीस और इसी के साथ हमारे दीव का सफर यहीं खत्म होता है आई होप दिस आइटनरी विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर मोर अमेजिंग आइटनरी लाइक दिस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट तब तक के लिए टाटा बाय बाय शबा केयर